الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل احترام بزرگ و عزیز دوستو مشهور قول کے مطابق ماہ رجب المرجب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کرائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تو اسی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنی ہیں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ معراج کس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور نبوت ملنے کے بعد سے لے کر ہجرت تک کا جو دور ہے یہ ابتلاء اور آزمائش کا دور ہے اعلان نبوت کے بعد ہر آنے والا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے ماننے والوں کے لیے پریشانیوں میں اضافہ کر رہا تھا یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مکہ کے مشرکین نے ایک معاہدہ کیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کر لیا گیا اور 3 سال تک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان سمیت ایمان والوں سمیت شعب ابی طالب میں وہ گھاٹی جس کے چاروں طرف پہاڑ تھے مکہ مکرمہ میں ہے حرم کے بالکل قریب ہی ہے آج کل وہاں پہ سرنگیں بنی ہوئی ہیں پہاڑ کاٹ دیے گئے وہ جگہ آج بھی دیکھی جا سکتی ہے وہاں پر آپ کو 3 سال تک قید کے گزارنے پڑے اور یہ آسان نہیں تھا حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں اذیتیں دی گئیں کفار کی طرف سے ان کو ستایا گیا ان کو پریشان کیا گیا ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں لیکن فرمایا کہ جو اذیتیں مجھے دی جاتی ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہیں اب دیکھا جائے تو انبیاء علیہ السلام میں سے وہ بھی ہے کہ جن کے سر پہ آرا رکھ کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے حضرت زکریا علیہ السلام شہید کیا گیا حضرت یحییٰ علیہ السلام ایسے انبیاء علیہ السلام بھی ہیں جن کو اذیتیں دے کر شہید کیا گیا
लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती है कि सबसे ज्यादा मुझे सताया गया है। तो 3 साल तक आप वहां पे रहे और मुशरिकीन की तरफ से मुकम्मल मुकातिया था, कतई ताल्लुक कर लिया गया था और पूरे मक्का वालों को पाबंद कर दिया था कि कोई भी न इनसे बोलेगा, न कोई चीज इनके हाथ फरोख्त की जाएगी, न कोई चीज इनसे खरीदी जाएगी, न इनके साथ रिश्ते नाते कायम किए जाएंगे। तो 3 साल इस हाल में गुजारे कि रिवायात में आता है कि सहाबा इकराम कहते हैं कि वो दिन बड़ी मुश्किल के थे, हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, हम वहीं पर वादी में उस घाटी में ढूंढते तलाश करते थे, कोई गोश्त का किसी चमड़े का टुकड़ा मिल जाता था पुराना तो उसको ले आते, साफ करके मुंह में डालते और उसे चबाते रहते थे भूख की वजह से, किसी दरख्त का पत्ता मिल गया तो वो चबा लेते थे। मुश्किल में 3 साल गुजारे उस कैद के अंदर और इसी दौरान अल्लाह के नबी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले जाते हैं कि हो सकता है उन लोगों को मेरी बात समझ आ जाए, हो सकता है वो मेरी दावत पर लब्बैक कह दें, हो सकता है कि वो मेरी बात को सुन ले और मान ले, तस्लीम कर ले, मेरी नबूवत रिसालत पर अल्लाह की तौहीद पर ईमान ले आए। चुनांचे आप सफर इख्तियार करते हैं ताइफ का, पैदल का सफर काफी दूर है वहां से, अब तो लोग गाड़ियों में जाते हैं, फिर भी 4 घंटे लग जाते हैं वहां तक जाते जाते, तो आप वहां तशरीफ ले जाते हैं। लेकिन वहां जब पहुंचते हैं, दावत देते हैं उन लोगों को, तो बजाय इसके कि वो लोग आपकी दावत को कबूल करते, ईमान ले आते, वो लोग आपको पत्थर मारते हैं और इस हाल में आपको वहां से निकाला गया ताइफ से, कि लिखा है किताबों में कि एक शख्स आता है मजबूत जिस्म का मालिक था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके हुए थे, हर तरफ से आप पर पत्थर बरस रहे थे, वो पीछे से आता है, आपके दोनों कंधों पे हाथ रख देता है और अपना घुटना आपकी कमर पर रसीद करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह के बल गिर जाते हैं, सामने पत्थर पड़ा था, पिशानी लगती है पत्थर पे, खून का फुआरा बह निकलता है, आप मुड़कर पीछे मारने वाले को नहीं देखते बल्कि आसमान की तरफ निगाह उठाकर कहते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, मारने वाले को न देखना, मेरी दुआओं की लाज रख लेना, हो सकता है कि इनकी औलाद में से कोई ऐसे पैदा हो जाए जो मेरी बात को समझ ले, हो सकता है कि आने वाली नस्ल सिरात मुस्तकीम पर आ जाए, ऐ परवरदिगार इनको सजा नहीं देनी। तो उस तकलीफ के आलम में आप वहां से वापस तशरीफ लाते हैं। अब ये मामूली सदमा तो नहीं, एक तरफ कैद तन्हाई है, एक तरफ वहां पर अपने कुंबे को घर वालों को देखते हैं भूख की वजह से पत्ते चबाते हुए और चमड़े चूसते हुए सहाबा को देखते हैं, तो कितनी अजियत है। जब वहां जाते हैं तो इस हाल से आपको वापस आना पड़ता है मक्का मुकरमा की तरफ। अभी ये अजियतें कम नहीं थी, ये सदमे कम नहीं थे कि एक और सदमा पेश आया कि वो चचा जिसने हर मौके पर आपका साथ दिया था अबू तालिब, उन्हीं अय्याम में अबू तालिब की वफात हो गई। फिर कुछ दिन गुजरे तो सबसे ज्यादा आपकी गमगुसार थी, जिसको आप रोजाना की कारगुजारी जाकर सुनाया करते थे और जो आपको हमेशा तसल्ली दिया करती थी, जो आपकी मुआविन बनी रही थी, आपकी शरीक हयात भी थी, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी भी इन्हीं अय्याम में वफात हो गई। यानी एक के बाद दूसरा सदमा, दूसरे के बाद तीसरा सदमा। जब ये सदमे हुए तो दुनिया का दस्तूर है ना, अगर किसी दोस्त पर कोई सदमा आ जाए तो फिर जब दोस्त कोई देखता है कि मेरे दोस्त सदमे से दो चार हैं, बेचारा बहुत परेशान है, तो फिर वो क्या करता है, उसके पास आता है कि आओ भाई मैं गाड़ी लाया हूँ, चले ज़रा बाहर निकलते हैं, आउटिंग भी चलती है, कुछ ख्याल बदल जाएगा आपका, कुछ ख्याल तब्दील हो जाएगा।
या आप पर जो सदमे हैं, तकलीफ़ें हैं, आजमाइशें हैं, आप ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको घुमाने ले चलता हूँ, घूम फिर कर आएंगे, ज़रा कोई तबीयत हशाश पशाश हो जाएगी, ये दुनिया का दस्तूर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि मेरे महबूब सदमों में है। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जाओ ज़रा सवारी जन्नत से लेकर, मेरे महबूब सदमों में है, परेशान है बहुत, बड़ी अजियतें सह चुके हैं, लिहाजा जाओ, हम भी अपने महबूब को ज़रा घुमाना चाहते हैं, उनके ख्याल को बदलना चाहते हैं। अल्लाह, आप घुमाने के लिए कहाँ भेजेंगे महबूब को? फरमाया, दरिया के किनारों पर, समंदर के साहिल पर, रेगिस्तानों और बागीचों में तो दुनिया वाले अपने दोस्तों को लेकर जाया करते हैं, मैं अपने महबूब को घुमाने के लिए अर्शों पर बुलाऊंगा। ये पस मंजर था मेराज का। उसके बाद जब मेराज कराई गई तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत जिब्रील अमीन को भेजा। यहां पर यह बात भी अर्ज करूं कि मेराज ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजजा है। हर नबी को अल्लाह तबारक व ताला ने नबूवत की दलील के तौर पर मौजजात अता फरमाए। किसी को असा और यद बैजा मिला, तो किसी को नाका ऊँटनी मिली, किसी को हाथ की शिफा मिली, किसी को क्या मिला, किसी को क्या मिला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को बेशुमार मौजजात अता फरमाए, एक दो नहीं, बेशुमार, बल्कि बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि जितने मौजजात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाकी अम्बिया अलैहिस्सलाम को अता फरमाए थे, उन सबसे बढ़कर मौजजात अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाए। लेकिन दो मौजजे बड़े अजीम अता फरमाए, एक कुरान की सूरत में और दूसरा मेराज की सूरत में। और ये बात भी याद रखने की है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर दौर में जिस नबी को मौजजे दिए वो उसी फन से मुतालिक थे जो उस कौम के अंदर फन पाया जाता था, और उस कौम वालों को, साहिब फन लोगों को अपने फन पर बड़ा नाज और फख्र हुआ करता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस दौर में तशरीफ लाए तो उस जमाने में जादू और सेहर का बड़ा जोर था। ये जादू और सेहर बरहक है, इनकार कोई नहीं करता इसका, जादू भी है सेहर भी है दुनिया में, ये और बात है कि जायज नहीं है, न करना जायज है, न कराना जायज है, न अमल करना जायज है। जिस तरह खंजीर दुनिया में मौजूद है, इनकार तो कोई नहीं करता मगर हराम है, इस तरीके से जादू सेहर है लेकिन जायज नहीं है, इसका वजूद है दुनिया में। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो दौर था उस दौर में जादू का फन उरूज पे था, बड़ा फख्र था उन लोगों को अपने इस फन पर। ये अफलातून भी उसी दौर का है, अफलातून जिसने सबसे पहले एक किताब लिखी थी सियासत पर, जमहूरियत पर, रिपब्लिक के नाम से आज भी मिल जाती है रिपब्लिक, अफलातून की लिखी हुई किताब, उस दौर की है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का है। और ये जुमला भी उसने अपनी किताब में लिखा था, जमहूरिया में उसने लिखा था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, ये आज का जुमला नहीं है, उस दौर का है, उसने कहा था ताकत का सरचश्मा अवाम है। और इस्लाम ने क्या नारा दिया कि ताकत का सरचश्मा अल्लाह की ज़ात है, इंसान नहीं है, अवाम नहीं है, इंसानों के पास क्या ताकत है, सारी ताकतें अल्लाह के पास हैं। ये इस निज़ाम को जिसमें ये माटो हो उनका कि ताकत का सरचश्मा अल्लाह की ज़ात है, इसको निज़ाम इस्लाम कहा जाता है, और जिसमें यह हो कि ताकत का सरचश्मा अवाम है उसको जमहूरियत कहा जाता है, ये फर्क है। तो भारत और उस जमाने में जादू का फन उरूज पे था, कभी कोई चीज बना रहे हैं, कभी कोई चीज बना रहे हैं, फन होते हैं आपने भी देखे होंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मौजज़ात अता फरमाए वो उसी फन से ताल्लुक रखते थे। और मूसा अलैहिस्सलाम आए जादूगरों के सामने खड़े होकर, जब असा को फेंका, लाठी को फेंका, सांप बन गया, सांप तो वो भी बना सकते थे, उन्होंने भी रस्सियां लाठियां डाली, सांप बन गए, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी ने, उस सांप ने सारे सांपों को निगल लिया, और सबको निगलने के बाद न तो उस असा का साइज बढ़ा,
न वो लंबी हुई न वो छोटी, वो लाठी मोटी हुई, जितनी थी उतनी रही, सारी रस्सियां और लाठियां निकल गई, तो गालिब कर दिया उन पर। इसी तरह यद बैज़ा का मौजदा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस दौर में तशरीफ़ लाए उस ज़माने में तिब का इलम उरूज पे था, बड़े बड़े हुकमा थे उस ज़माने में, बीमारियों की तशखीस की जा रही थी, जड़ी बूटियों पर तहकीक का काम जारी था और इंसानी बीमारियों के इलाज के बारे में बड़ी रिसर्च हो रही थी उस ज़माने में। बड़े बड़े अतिबात हकीम थे, जैसे हकीम जालीनूस, ये ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का है और उसकी जवारिश जालीनूस आज भी मिलती है मार्केट में, ये उसका नुस्खा है। उस ज़माने में बड़े बड़े हकीम थे, बड़े बड़े हुकमा थे, टिब के शोबे में बड़ा नाम था उनका। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ात वो दिए जो उस फन से मुताल्लिक थे। आपने लोगों को चैलेंज किया, आओ टिब के इलम में और टिब के फन में फख्र व गुरूर करने वालों, तुम बिनाई का, बिनाई की कमजोरी का इलाज तो करते हो, आओ किसी बादजात अंधे को ठीक करके दिखाओ। हाथ फेरा अंधे पर, ठीक हो गया। बीमारियों का इलाज तो करते हो, जिल्दी अमराज के तुम माहिर हो, जिस्म पर दाना निकले, फोड़ा निकले या खारिश हो उसका इलाज करते हो, आओ किसी कोढ़ के मर्ज का इलाज करके दिखाओ। बीमार बिस्तर पे लग गया, तुम दवाई देकर इलाज के जरिए उसे खड़ा कर देते हो, लेकिन आओ किसी मुर्दा को खड़ा करके दिखाओ। कुम बिज़निल्लाह, कहा और मुर्दा खड़ा हो गया। तो उसी फन से मुताल्लिक। तो अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ात तो बेशुमार दिए, दो मौजज़ात ऐसे अता फरमाए जो अल्लाह के इल्म में था कि आने वाला दौर कैसा होगा। अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में था कि आने वाला दौर इल्म का दौर होगा और उलूम की कई शाखें निकलेंगी, फ़नून पैदा होंगे, मुख्तलिफ किस्म के फ़नून और मुख्तलिफ किस्म के उलूम दुनिया के सामने आएंगे, तहकीकात का दौर होगा, ज़र्रे ज़र्रे को खोला जाएगा, ज़र्रे ज़र्रे का इल्म हासिल किया जाएगा, अल्लाह तबारक व ताला की छुपी हुई चीज़ों को जाहिर किया जाएगा, पर्दों को हटाया जाएगा। ये साइंस जो कुछ कर रही है ना, ये पैदा कुछ नहीं कर रही, पैदा की हुई चीज़ें अल्लाह की हैं, ये पैदा कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह की पैदा की हुई वो चीज़ें जो छुपी हुई थी उनको जाहिर कर रही हैं, और अल्लाह ताला ने तो सारी कायनात को मुसख़र कर दिया कि खुद ही तुम जाओ, तहकीक करो, रिसर्च करो, पर्दों को हटाओ, खोलो, क्या छुपा है। मुसख़र लकुम मा फिल अर्द जमीअ, खुद फरमा दिया कि जो कुछ ज़मीन में है सारा तुम्हारे लिए मुसख़र कर दिया है, मेहनत खुद करो। लेकिन अब हमारा हाल ये है कि बजाय इसके हम मुस्बत पहलू इख्तियार करते हैं, हमने मनफी पहलू इख्तियार किया। बजाय इसके कि हम अपने फ़ायदे की सोचते, इंसानियत के फ़ायदे का सोचते, हमने बजाय ज़्यादा फ़ायदा सोचने के नुकसान ही सोचना शुरू कर दिया। यही तो वजह है कि एटम बम वजूद में आया, कि एक ज़र्रे को फाड़ने से कायनात को तबाह किया जा सकता है। हाइड्रोजन बम वजूद में आया, हमने नुकसान का ही सोचा है, ये नहीं सोचा कि हमारा अपना आशियाना भी तबाह हो सकता है। तो भारत दौर, आने वाला दौर इलम का था। अब देख लें कितनी किताबें छप रही हैं, कितनी किताबें लिखी जा रही हैं, कितना इलम फैल रहा है, कितने इदारे बन चुके हैं स्कूल्स की सूरत में, कॉलेजेस की सूरत में, यूनिवर्सिटीज की सूरत में, कितने इदारे दुनिया में काम कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को एक इल्मी मौजदा था फरमाया कुरान की सूरत में, जिसका तोड़ आज तक कोई नहीं कर सका। फरमाया इल्म में जितनी तरक्की कर जाओ, मैं भी इल्मी मौजदा अपने पैगंबर को दे रहा हूं, आओ इसका मुकाबला करके दिखाओ। और दूसरा मौजदा वो तस्खीर कायनात का अल्लाह ने दिया अपने महबूब को। अल्लाह के इल्म में था आने वाला दौर तस्खीर कायनात का दौर होगा, जो चीज़ें मैंने इंसानों के लिए मुसख़र कर दी हैं, कायनात में बिखेर कर रख दी हैं, अब ये तहकीकात करके उनको अपना गुलाम बनाएंगे, उनसे काम लेंगे, समुद्रों के ऊपर इनके बड़े बड़े वजनी जहाज तैरते हुए नजर आएंगे और हवाओं, खलाओं, फिजाओं में उनके उड़ते हुए रॉकेट, जहाज और तैयारे नजर आएंगे, चांद गाड़ियां नजर आएंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म में था कि ये लोग कायनात को तस्खीर करने में लगे होंगे, चांद पर कदम रखने पर बड़ा फख्र करेंगे,
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तस्खीर कायनात की इंतहा तक पहुंचा दिया अपने महबूब को, फर्श से उठाया अर्श तक ले गए कि जितने भी तस्खीर कर लो इस मकाम की गर्द को नहीं पा सकोगे। मौजज़ा है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बातों वो उनवान एक अलग है, इशारा तक मैंने कुछ बात कर ली, फिर इंशाल्लाह कभी अपने मौके पर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह रमज़ान में इल्मी मौजज़े पर गुफ्तगू होगी। तो मौजज़ा है मेराज। अब मेराज का सफ़र जब शुरू होता है तो अल्लाह तबारक व तआला सूरत बनी इसराइल में फरमाती है, पहली आयत सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदों को रातों रात। अब यहाँ पर कुछ लोग जो मौजज़ात का इनकार करने वाले हैं या जो अकल पे हर चीज़ को तोलने वाले हैं वो इतराज़ कर देते हैं कि रातों रात कैसे जा सकते हैं, वो कैसे गए, उनकी अकल में नहीं आती ना बात, वो कैसे गए हैं। भाई बात ये है कि उन्होंने समझा ही नहीं है, उन्होंने बात को समझा ही नहीं है, पहले बात को तो समझे। अल्लाह के रसूल ने कब कहा है कि मैं गया हूँ? आपने तो नहीं कहा मैं गया हूँ, कहाँ भी लिखा हुआ है कि आपने फरमाया कि मैं गया हूँ? कुरान हकीम में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आपने तो नहीं कहा कि मैं गया। इसकी मिसाल है समझे कि एक दो साल का बच्चा है, दो साल का बच्चा, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये बच्चा जो है ना ये उम्रा अदा करने के लिए सऊदीया गया था और वापस भी आ गया, उम्रा अदा करने सऊदीया गया था वापस भी आ गया, तो आपका सवाल फौरन क्या होगा, कैसे गया था, पासपोर्ट था इसके पास, टिकट था इसके पास, फिर वहाँ खाने पीने का क्या बना होगा, दो साल का बच्चा, इसको उम्रे का तरीका किसने सिखाया, इसने फिर तवाफ कैसे किया होगा, क्या ये जमजम को पहचानता था, वहाँ पर इसकी रिहाइश कहाँ पे थी, ये सारे सवालात कोई भी कर सकता है और कि हर किसी के जहन में आएंगे। अब अगर वही जुमला मैं इस तरह कहूँ कि इस बच्चे को मैं उम्रा अदा कराने के लिए सऊदीया ले गया था, तो फिर कोई सवाल बाकी रहेगा? कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि जब साथ था, बाप साथ था, भाई साथ था, बड़ा साथ था, पासपोर्ट भी उसके ज़िम्मे, टिकट भी उसके ज़िम्मे, खिलाना पिलाना भी उसके ज़िम्मे, कंधे पे बिठा कर तवाफ़ कराना भी उसके ज़िम्मे, सही कराना भी उसके ज़िम्मे, सारा काम उसके ज़िम्मे, सवाल पैदा ही नहीं होगा, फिर सवाल कैसे किया जाए। और जब कहा जाए कि वो गया था तो फिर सवाल जन्म लेंगे। जब अल्लाह के रसूल कह देते कि मैं गया था आसमानों पर, मैंने एक रात में सारा सफ़र किया है, तो फिर तो सवाल पैदा हो सकता था। तो आपने तो कहा नहीं है, अल्लाह ताला फरमाती है सुभान अल्लज़ी असरा, जो ले गया वो तो सुभान है, खुद नहीं गए, जो ले गया वो पाक जात है, वो रातों रात ले गई अपने बंदे को। तो यहां पर अल्लाह तबारक व ताला खुद ले गए हैं और अपनी तरफ निस्बत की है अल्लाह ताला ने कि वो नहीं गए बल्कि मैं ले गया हूं, और अल्लाह तबारक व ताला वो जात है जो हर कमजोरी से पाक है। हमारे अंदर तो कई ऐब है ना, हम तो बल्कि अयूब का मजमुआ है, अयूब का मजमुआ है, कई ऐब हमारे अंदर है, ज़ाहिरी भी है बातनी भी है। जो नबी होते हैं वो ऐबों से पाक होते हैं, नबी होते हैं उनमें ऐब नहीं पाया जाता, वो पाक होते हैं ऐबों से, लेकिन नबियों में कमज़ोरी पाई जाती है, नबी में ऐब नहीं होता मगर कमज़ोरी होती है। कमज़ोरी किसे कहते हैं? नींद का आना कमज़ोरी है, पैगंबर सोते भी हैं, भूख का लगना कमजोरी है, पैगंबर खाते भी हैं, प्यास का लगना कमजोरी है, पैगंबर पीते भी हैं, कमजोरी होती है, ऐब नहीं होते। और अल्लाह की जात वो जात है जो हर कमजोरी से पाक है, न उसे भूख लगती है, न प्यास लगती है, न नींद आती है, न ओंघ आती है, न किसी मददगार की उसको जरूरत है, वो सारा निजाम अकेले ही चला रहे हैं और चलता रहेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जब मैं हर कमजोरी से पाक हूं, ए इंसान भूल गए, इतराज तो कर लेते हो, ये भूल गए तुम्हारा बाप आदम कहां से आया था, तुम्हारा बाप आदम क्या वो जन्नत में नहीं था, जिस रास्ते से मैंने आदम को उतारा था उसी रास्ते से अपने महबूब को ले गया।
तो बहादुर जब सफर मेराज शुरू होने लगा, यहां पर रात का जिक्र है। ये जुमला भी साथ अर्ज कर लू कि अल्लाह ताला फरमाती है कि सैर कराई अपने बंदों को हमने रातों रात, यानी रात के हिस्से में। तो अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में था ना, मैंने पहले अर्ज किया ना कि इल्म ही मौजूदा है कुरान। कोई जगह आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि जहां पर कोई उंगली उठा सके। रात के हिस्से में सफर कराया। अब कोई एतराज कर सकता था, अब तो ऊपर पहुंच चुके हैं, चांद तक रसाई हो गई और इनके खलाई रॉकेट पता नहीं कहां कहां तक पहुंचे हुए, तो वो एतराज कर सकते थे कि रातों रात, क्या मतलब रात का? आप मेराज पर गए रात के हिस्से में, ये रात का तस्वीर तो यहां पे है, ऊपर तो नहीं है रात दिन का तस्वीर। जब चांद पे जाने वाले गए, वहां पे जाकर देखा तो वहां इस रात दिन का तस्वीर नहीं है। वहां पर जो रात दिन हमारी जमीन पे है वहां नहीं है, ऊपर चले जाए निजाम बदलता चला जाता है। तो वो एतराज कर सकते थे कि आप कहते हैं रात के हिस्से में, वहां तो रात है ही नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो सफर जमीन पे कराया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, उसमें रात का जिक्र है और उसको अलग बयान किया। और जो मस्जिद अक्सा से सफर मेराज का कराया, उरूज हुआ अर्श तक का जो सफर है, उसको अलग सूरत नजम में बयान फरमाया, इकट्ठा बयान ही नहीं किया ताकि कोई इतराज ही न कर सके। तो सफर मेराज जब शुरू हो रहा था तो इसका पहला हिस्सा जो जमीन पे था, मस्जिद हराम मक्का से लेकर मस्जिद अक्सा फलस्तीन तक, तो हजरत जिब्रील अमीन को भेजा गया। जिब्रील अमीन आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कहाँ आराम फरमा रहे थे, रात का वक्त था, आप जहां भी थे आपको हरम लाया गया, हरम में लाए गए, हरम में आकर आपको लिटाया गया। आप फरमाती हैं कि मेरे सीने को चीरा गया, चाक किया गया, खोला गया सीना, और फिर मेरे दिल को निकाला गया। बात को समझ रहा हूं मैं, एक और बड़ी अहम बात करने लगा हूं आगे। मेरा दिल निकाला गया, निकालने के बाद मेरे दिल को जमजम से धोया गया, और जमजम से धोने के बाद दोबारा उसको रख दिया गया, और उसके बाद मेरे सीने को टांके लगाए गए, सी दिया गया। अब मैं आपसे सवाल करूंगा कि आजकल बाईपास ऑपरेशन होते हैं, जिसने बाईपास कराया हो उससे पूछ लें कि आपने सब कुछ होते हुए देखा था, जब आपका पेट चीरा जा रहा था, दिल निकाला जा रहा था, उसकी पंपिंग हो रही थी, उसकी सफाई हो रही थी, उसके अंदर वाल्व्स को ठीक किया जा रहा था, या अंदर कोई वेन्स या कोई रगें तब्दील की जा रही थी, तो आप देख रहे थे? कोई नहीं बताएगा। वो कहेगा मुझे तो कोई पता नहीं, मुझे तो कोई पता नहीं, वही पता है मेरे सामने डॉक्टर खड़े थे, उसके बाद मुझे कोई पता नहीं, जब आँख खुली तो मैं बेड पर था और ICU में था, ड्रिप लगी हुई थी, मुझे कोई पता नहीं। नबी में और गैर नबी में फर्क हुआ करता है, नबी में और गैर नबी में ये फर्क हुआ करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक को निकाला भी गया, आप यहां लेटे हुए हैं, आपका कल्ब मुबारक वहां धोया जा रहा है। किसी और का दिल निकाल ले आप वहां ले जाए, बच्चा बंदा जिंदा बचेगा? आपका कल्ब मुबारक, दिल मुबारक वहां धोया जा रहा है, आप यहां हैं, दिल अंदर मौजूद नहीं है, आप सब कुछ देख भी रहे हैं, सब कुछ सुन भी रहे हैं, जो बता दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि तुम्हारी जिंदगी और है, मेरे नबी की जिंदगी और है। ये तो दुनिया का हाल है ना, ये तो दुनिया में है। और जब ताकि नबी जब जन्नत में पहुंचते हैं तो फिर वहां आलम यह होता है, आप वापस आकर मेराज से वापस आकर आपने बताया था कि जब आप जन्नत में तशरीफ ले गए तो वहां आपने किसी के चलने के कदमों की आवाज सुनी, तो आपने फरमाया जिब्रील ये कौन चल रहा है, किसके कदमों की आवाज है, ये तो आवाज ऐसी है जैसे कोई जमीन पे चलता है, मैं तो जन्नत में हूं। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं अल्लाह के महबूब ये आपके गुलाम बिलाल हैं जो मक्का की गलियों में चल रहे हैं, आप उसके कदमों की आहट यहां पर सुन रहे हैं। जब आप जन्नत में हैं तो फिर जमीन पर चलने वाले के कदमों की आवाज सुनते हैं,
क्योंकि जन्नत का निज़ाम और है, वहाँ पर समात बढ़ जाती है, वहाँ पर कुव्वत बसारत बढ़ जाती है, वहाँ पर सारी ताकतें कुछ और तरह की हो जाया करती है। जब आप वहाँ तशरीफ ले गए थे तो फिर वो कदमों की आवाज़ सुन रहे थे, तो अब तो वहाँ पर हयात है तो अब सलाम क्यों नहीं सुनते। तो बाहर तौर मैंने पहले अर्ज़ किया था ना कि फितनों का दौर है, अपने आप को बचाना है फितनों से, किसी एक का दामन थामे रखे, बस इधर उधर न देखे वरना गुमराही का खतरा है। चुनाचे आपका कल मुबारक, दिल मुबारक को धोया गया। जमजम बहुत बड़ा तोहफा है जो हमें मिला है, इसकी कदर किया करें, इसकी कदर किया करें, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ जाने वाले हजरात जब वहाँ जाते हैं वहाँ भी कदर किया करें, बहुत बड़ा तोहफा है। उलमा ने लिखा है कि जमजम का पानी वो है जो आब कौसर से भी अफजल है, जन्नत की नहर में बहने वाले साफ शफाफ सफ़ेद पानी से भी अफजल है। और वो दलील यही देते हैं कि अगर आब कौसर जमजम से अफजल होता तो अल्लाह तबारक व ताला जिब्रील से कहते मेरे महबूब का कल्ब अथर धोने के लिए आब कौसर ले जाओ। अगर जन्नत में बहने वाली नहर का पानी अफजल होता तो अल्लाह ताला जिब्रील से कहते ये पानी जन्नत से ले जाओ, नहीं फरमाया कि जमजम से धोना है, तो मालूम हुआ जमजम कौसर से अफजल है और जन्नत में बहने वाली नहरों से भी अफजल है। उसके बाद आपका सफर शुरू हुआ और ये सफर आपका मक्का मुकरमा से फलस्तीन तक का है, इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अलग बयान फरमाया। इस सफर के मेराज के सफर के तीन हिस्से हैं, तीन हिस्से। पहला हिस्सा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, दूसरा हिस्सा मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक। ये जो पहला हिस्सा है ये आलम जो है, इस आलम को हम कहते हैं आलम नासूत, आलम नासूत जहाँ पे हम रहते हैं। और फिर ऊपर का जो आलम है उसको कहते हैं आलम मलकूत, जहाँ पर फरिश्ते रहते हैं। आलम मलकूत ये चलता है सिदरा तक, फरिश्ते हैं। और फिर उसके बाद सिदरा से आगे आलम जो शुरू होता है उसको कहते हैं आलम लाहूत, वहाँ कोई जा ही नहीं सकता, वहाँ किसी मुकर्रब फरिश्ते को भी मजाल नहीं कि आगे बढ़ सके। जिब्रील ने कह दिया था ना कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ता हूँ मेरे पर जल जाएंगे, आग नहीं है वहाँ पर, नूर ऐसा है रब ताला का, नूरानी तजल्लियात ऐसी है कि फरिश्तों के पर जलते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र के तीन हिस्से, पहला आलम नासूत में, दूसरा हिस्सा आलम मलकूत में और तीसरा हिस्सा आलम लाहूत में। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इन तीनों पर अर्ज़ किया जाएगा तरतीब के साथ इंशाल्लाह।